हेलो दोस्तों मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक क्विटेड कम्युनिटी में स्वागत करता हूं तो स्क्रीन पे आपको यहां पे दो पोर्शन देखने को मिल रहे होंगे अब ये क्या है ये आपका निफ्टी का डेली चार्ट है सेम टाइम फ्रेम का लेकिन यहां पे चार्ट आपको कुछ और दिख रहा होगा और यहाँ पे अगर आप चार्ट देखेंगे तो चार्ट कुछ और दिख रहा है तो सेम टाइम फ्रेम का चार्ट है लेकिन चार्ट अलग अलग हमें क्यों दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने डिफरेंट कैंडल्स को यूज किया सबसे पहले यहाँ पे हमने नॉर्मल कैंडल को यूज किया जो कैंडल हम लोग डेली यूज करते हैं उस कैंडल्स का यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया इस तरफ अगर हम बात करें तो इस तरफ हमने अलग एक हिकानेसी कैंडल्स का यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है इसलिए आपको चार्ट थोड़ा सा अलग देखने को मिल रहा होगा तो आज की इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा नॉर्मल कैंडल्स वर्सेस हिकानेसी कैंडल यानी कौन कैंडल्स हमें ज़्यादा एक्यूरेट ट्रेडिंग डिसंेंस प्रोवाइड करेगा कौन कैंडल्स को यूज़ करना ज़्यादा फायदेमंद होगा क्या इसी कैंडल्स हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा यूज करना या फिर नॉर्मल कैंडल्स को यूज करना हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा इन दोनों के ऊपर हम डिटेल कंप्यूजन डिटेल डिस्कशन करेंगे जिसके बाद आपको क्लियरिटी साथ आइडिया मिल जाएगा कि आपको कौन सा कैंडल यूज करना है वैसे यहाँ पे आपको बता देता हूँ किसी भी चार्ट पे किसी भी ब्रोकरेज में आपको कैंडल्स पे जाना है सबसे पहला कैंडल्स जो आपको है यहाँ पे देख सकते हैं कैंडल्स है, है ये हमारा नॉर्मल कैंडल है ये वाला और अगर हम यहाँ पे एक अनिशी की बात करें तो ये आपको ये वाला कैंडल देखने को मिल रहा हो तो दोनों को हमने एक ही साथ ऐड किया ताकि आपको ये क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं दोनों कैंडल्स को कम्परिजन करेंगे लेकिन उससे पहले जो हिकानेसी कैंडल है इसके कुछ बेसिक डिटेल्स को समझ लेते हैं जिनको इनके बारे में बेसिक डिटेल्स के बारे में आइडिया है वो यहाँ पे एक से डेढ़ मिनट वीडियो आगे बढ़ा सकते हैं अगर आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन जरूर देखने को मिलेगा अब हम यहाँ पे पीपीटी पे, पे, पे आ गए अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हिकानेसी कैंडल्स का हम लोग इस्तेमाल किस परपज़ के लिए करते हैं ताकि आपको वो समझ में आ जाए तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं

ये आपका एक ट्रेंड को डिनोट करता है और यहां पे ट्रेंड कौन सा डाउन ट्रेंड को ये डिनोट करता है उसके बाद दो चीज़ हमें देखना है कि ट्रेंड में स्ट्रेंथ क्या है या कितना है उसके लिए हम कैंडल के साइज़ को देखेंगे यहां पे देखिए कैंडल का साइज़ काफ़ी बिग है डैट मीन्स टू ये निगेटिव ट्रेंड है और निगेटिव ट्रेंड में स्ट्रेंथ है यानी ये स्ट्रॉन्ग वाला निगेटिव ट्रेंड है अब निगेटिव ट्रेंड कमजोर कब होगा निगेटिव ट्रेंड में कमजोरी कब आएगा जब आपका ऊपर में शेडो बनना स्टार्ट हो जाए यानी जैसे यहाँ पे आपका ऊपर में शेडो बनना स्टार्ट हो गया यानी ये निगेटिव ट्रेंड में कमजोरी आना स्टार्ट हो गया और दूसरा कि अगर कैंडल का साइज छोटा होता चला जाएगा यानी अपर शेडो अपर शेडो और कैंडल का साइज ये दो चीज हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि कोई भी जो ट्रेंड है क्या उसमें कमजोरी आया है कि नहीं आया जैसे यहां पे कैंडल का साइज छोटा हुआ है और ऊपर में आपको छोटा ही सही लेकिन अपर शेडो आ गया डैट मीन्स टू सेलर्स का कमजोरी यहीं पे आ गया उसके बाद थोड़ा बहुत और जबरदस्ती का मजबूती दिखाया है लेकिन कमजोरी हमें यहीं पे रिफ्लेक्ट हो गया वैसे अगर हम अप ट्रेंड की बात करें तो अप ट्रेंड में क्या चाहिए नो लोअर शेडो और ग्रीन कैंडल तो ये क्या दिखाएगा ये हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा और यहाँ पे क्या बताएगा ट्रेंड कौन सा अप ट्रेंड है अब यहाँ पे कैंडल्स के साइज को देखें कैंडल का साइज आपका बिग है डैट मीन्स टू यहाँ पे इस ट्रेंड में स्ट्रेंथ है यानी आपका वाला अप ट्रेंड है। तो दो चीज नीचे में आपका लोअर टेल बनना चाहिए नीचे में शेडो बनना चाहिए और कैंडल का साइज छोटा होना चाहिए यहां पे कैंडल का साइज छोटा हुआ बना है शेडो बनाए तो ये थोड़ा सा कमजोरी दिखाए फिर मजबूती आए फाइनल कमजोरी हमें यहां पे देखने को मिला है तो इसके जरिए यानी हिकानेसी कैंडल के जरिए हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ट्रेंड के स्ट्रेंथ को भी इजीली फाइंड कर सकते हैं तो चलिए चार्ट पे चल के अब हम देखते हैं कि हमें नॉर्मल कैंडल इस्तेमाल करना ज़्यादा फायदेमंद होगा या फिर हिकानीसी कैंडल अब यहाँ पे हम दोनों कैंडल के कंपरिजन पे आते हैं यानी कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं है तो यहाँ पे सबसे पहले हम लॉन्गर टाइम फ्रेम में आते हैं इसका इस्तेमाल हम किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं आप फाइव मिनट में कर सकते हो 15 मिनट में कर सकते हो इनफैक्ट आपका वन आवर में कर सकते हो वन डे में कर सकते हो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है टाइम फ्रेम को लेके इन दोनों कैंडल्स में कोई भी टाइम फ्रेम के बेसिस पे इस्तेमाल किया जा सकता है सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम आते हैं ताकि आपको डिफरेंस आसानी से समझ में आ जाए निफ्टी की अगर हम बात करें देख सकते हैं यहां से हमें अप ट्रेंड स्टार्ट देखने को मिला था एटीन थाउजेंड से ऑल द वे यहां पे हमें अप ट्रेंड देखने को मिला लेकिन इस अप ट्रेंड में अगर आप यहां पे देखें तो मार्केट में सेलर्स का प्रेजेंस और सेलर्स का स्ट्रेंथ दिख रहा अगर हम इस अब ट्रेन में यहाँ पे बाय चांस एंट्री करते हैं तो एनी हाउ मार्केट यहाँ पे हमें काफ़ी पैनिक देता काफी सिर दर्द देता और यहाँ पे हमें एनी हाउ मार्केट से एग्जिट करना ही पड़ता है क्योंकि मार्केट यह में यहाँ पे हमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं मिल रहा सिर्फ और सिर्फ हमें रेड कैंडल देखने को मिल रहा और सेलर्स का प्रेजेंस दिख रहा लेकिन सेम टाइम फ्रेम में अगर हम हिकानेसी कैंडल्स के चार्ट को देखें

अब देखिए दोनों के बेसिस पे अगर हम बाई चांस यहां पे एंट्री लेते हैं और यहां पे एंट्री लेते हैं फॉर एग्जांपल 18,600 के लेवल के आसपास यहां पे हम एंट्री ले रहे हैं तो यहां पे हम एग्जिट कब करेंगे डाउन पेमेंट का कंफर्मेशन हमें यहां पे मिलेगा तो यहां पे हमारा फाइनल एग्जिट बनेगा यानी नाइनटीन थाउजेंड एट हंड्रेड करीब यहाँ पर भी अगर हम एटीन के करीब एंट्री लेते हैं तो हमें एनी हाउ यहीं पर एग्जिट करना पड़ेगा मैक्सिमम हम नाइनटीन का वेट कर सकते हैं तो यहां पे हमें कितना मिल हुआ है यहां पे हमें प्रॉफिट मिलवा एट हंड्रेड पॉइंट अगर हम नॉर्मल चार्ट का इस्तेमाल करते हैं तो और यहां पे हमें प्रॉफिट कितना मिलवा यहां पे हमें प्रॉफिट मिलवा ट्वेल्व हंड्रेड का तो देख सकते हैं ये हमें अर्ली प्रॉफिट बुक करवा दे रहा लेकिन यहाँ पे क्लियर कट ट्रेंड में थोड़ा बहुत अगर कमजोरी आता है तो उसको ये ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करता ये ज्यादा आपको सिर दर्द नहीं देगा यहाँ पे आपको कोई पैनिक नहीं देगा अगर आप इस चार्ट को देखते हो तो यहाँ पे आपको कोई डर नहीं देखने को मिलेगा तो आप आसानी से बारह पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर सकते हो लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं होगा अब बारह पॉइंट का प्रॉफिट बुक होगा या नहीं होगा वो अलग बात लेकिन यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बोलेगे सर कि ये बारह पॉइंट का प्रॉफिट हम कैसे बुक करेंगे ये लिटरेली इंपॉसिबल है बहुत कम लोगों ने या फिर कोई भी बुक नहीं किया होगा लेकिन यहां पे हम समझने की बात कर रहे हैं वो आप कोशिश कीजिए मैं आपको एग्जाम्पल थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है तो यहां पे हमने क्या देखा कि अगर हम इस कैंडल के बेसिस पे लिटरेरी ट्रेड करते हैं तो क्या मिलता है हमें ऑलमोस्ट आपका थर्टी टू फोर्टी परसेंट ज्यादा प्रॉफिट बना के देगा लेकिन क्या अगर हम हमेशा इसी कैंडल का इस्तेमाल करेंगे क्या ये हमेशा हमें प्रॉफिट बना के देगा अब हम इसका डिमायरस भी देख लेते हैं यहाँ पे हम आ गए दूसरे चार्ट पे ये भी आपका डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट है यहाँ पर अगर आप चार्ट में गौर करेंगे तो क्या है मार्केट आपका गैप अप ओपन हुआ है यहाँ पे भी आपका मल्टीपल गैप अप है यहाँ पे गैप डाउन है अगर आप इस कैंडल पे गौर करेंगे हिकानशी वाले पे तो क्या आपको कहीं पर भी यहाँ पर गैप देखने को मिल रहा है आप कितना भी खोज दो चाहे कितना भी माइक्रोस्कोप लगा दो दूरबीन लगा लो कि आप यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये गैप फॉर्म करता ही नहीं है इसका कैंडल का फॉर्मेशन अलग तरीके से होता है उसका फॉर्मूला मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में शेयर करूंगा जो बहुत जरूरी है इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको कंप्लीटली वॉच करने की ज़रूरत है और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन जरूर दबा दीजिए तो यहाँ पे हमने क्या देखा सबसे पहले ये हमें गैप के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता है अगर हम दोनों कैंडल्स के ओपन हाई लो क्लोज की बात करें तो ये तो हमें एक्चुअल दिखाता है जैसे जहाँ पे डिमांड सप्लाई रहता है उसके बेसिस पे लेकिन ये हमें एक्चुअल नहीं दिखाता है यहाँ पे अगर आप ओपनिंग पॉइंट की बात करें क्लोजिंग पॉइंट की बात करें हाई की बात करें एंड लो की बात करें तो वो आपको इस नॉर्मल कैंडल से डिफरेंट देखने को मिलेगा यानी ये आपको हमेशा चार्ट एक खूबसूरत करके दिखाएगा जैसे हम लोग कैमरा में फिल्टर यूज़ करते हैं जो भी लोग फिल्टर यूज करते हैं आप देखे होंगे कि उनका चेहरा हमेशा आपको खूबसूरत दिखेगा लेकिन रियल फेस कुछ और रहता है तो यही काम ये यह करता है हिगानीसी कैंडल्स आपको फिल्टर लगा के क्या दिखाता है आपको पिक्चर दिखाता है जैसे अगर म्यूज़िक की बात कर ले तो रियल वॉइस बहुत सारे सिंगर्स का कुछ और रहता है और ऑटो ट्यूनर के जरिए वो खूबसूरत बन जाता है तो यहाँ पे भी ये आपका ऑटो ट्यूनर का काम करता है या फिर फ़िल्टर का काम करता है तो उम्मीद करते हैं कि इस एग्जाम्पल के जरिए आप समझ गए होंगे इसका इस्तेमाल हम किस परपज़ के लिए करते हैं तो यहाँ पे हिकानीसी कैंडल्स हमें यही काम करता है तो अगर आपको मार्केट का रियल फेस देखना है तो फिर आपको कहाँ पे आना पड़ेगा तो फिर आपको आना पड़ेगा नॉर्मल कैंडल्स पे क्योंकि यही आपको रियल फेस दिखाएगा और अगर आपको कैंडल्स को थोड़ा सा सिस्टमेटिक देखना है यानी चार्ट को थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से देखना है तो आप हिकाने से कैंडल्स की के तरफ स्विच कर सकते हैं ये आपको बेहतरीन चार्ट दिखाएगा अब हम दोनों कैंडल्स को समझ चुके हैं अब हम इसका इस्तेमाल किस पर्पस के लिए कब करेंगे वो आपको समझने की ज़रूरत है बाकी इस कैंडल में एक और चीज़ है वो मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले दोनों का इस्तेमाल समझ लेते हैं जो कि जरूरी पार्ट है तो मार्केट अगर आपका ट्रेंडिंग है यानी मार्केट में चाहे कोई भी ट्रेंड हो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो उस टाइम पे सबसे बेहतरीन जो आपको कैंडल दिखेगा वह एक कैंडल है क्योंकि ये आपको क्लियर कट पिक्चर बताएगा कि ट्रेंड में चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ अगर नहीं हुआ है तो हमें पूरा का पूरा कंटिन्यूटी दिखाएगा जैसे यहां पे हमें दिखाया है छोटा सा आपका रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ जो कि ट्रेंड को कंटिन्यू दिखा रहा है लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें मल्टीपल तो जगह ये आपको चेंज करता हुआ दिखाए यानी हर एक जगह आपको ये परेशान करेगा ट्रेडिंग डिसीजन आपको गलत लेने के लिए फोर्स कर सकता है या फिर सही डिसीजन आप नहीं ले सकते सही ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो अगर आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो रही है और आप नए हैं तो हिकानेसी कैंडल्स का आप इस्तेमाल कीजिए कब ट्रेंडिंग मार्केट में तो पहला पॉइंट ये होगा दूसरा अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो इंट्रा में क्या करता है हम लोग कैंडल्स को ज्यादा फॉलो करते हैं तो उसमें ये सही पिक्चर आपको नहीं प्रोवाइड करेगा एक्चुअली हाईलो प्रोवाइड नहीं करेगा तो इंट्रा डे में हम हिकानेसी को ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं हिकानेसी को हम प्रेफर कब करते हैं ट्रेंड का आइडिया हमें कब मिलेगा आइदर स्विंग ट्रेडिंग में या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग में तो इंट्रा डे में हम इसको ज्यादा प्रेफर नहीं करते क्यों नहीं प्रेफर करते क्योंकि यहीं पर आप देख लीजिए एक हमारा स्ट्रैटेजी है क्या

जबकि यहां पे आपका ओपन इक्वल टू लो बताए यदि ओपन इक्वल टू लो बनते ही हम यहाँ पे इंट्रा डे में साइड की तरफ जा सकते हैं और ये हमें प्रॉफिट बना के देगा लेकिन इसके बेसिस पे ओपन हाई के बेसिस पे हम इंट्रा डे में कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन नहीं ले सकते हैं इसलिए तो इसलिए इस कैंडल का इस्तेमाल हमें ट्रेंड को फाइंड कर करना यानी ट्रेंड हमारा कंटिन्यू है या फिर नहीं है वो सबसे बेहतर आपको ये बताएगा अगर आप मैनअली कैंडल्स पे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो अगर आपको कैंडल स्टिक का समझ है नॉलेज है तो फिर नॉर्मल कैंडल आपके लिए बेहतर है अगर आप नए हैं कैंडल्स का ज़्यादा समझ नहीं है और ट्रेंड को आप क्लियरली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप इस कैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं हिकानेसी कैंडल्स का अब हिकानेसी कैंडल में एक और चीज़ हमें यहाँ पे फोकस करना रहता है जैसे हमने देख लिया कि यहां पे अप ट्रेंड शुरुआत हुआ हमने ही एंट्री ले लिया अब हमें यहां पे एग्जिट कैसे करना इसका मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया वो मैं आपको बता देता हूं कोई और आपको इस तरीके से नहीं बताया इसलिए बताता हूँ कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन कर जरूर दबा दीजिए ठीकनेक्सी कैंडल्स में क्या देखना है अगर अप ट्रेंड है तो ओपन लो यानी नीचे में शेडो नहीं होना चाहिए अगर शेडो आया तो लगातार तीन कैंडल के बाद सैडो आने के बाद ही हम यहां पे एग्जिट करेंगे लगातार तीन कैंडल में सैडो दिखा या फिर कैंडल का साइज छोटा हुआ तो फिर एग्जिट करेंगे जैसे यहीं पे देख लीजिए कैंडल का साइज ठीक ठाक है लगातार दो कैंडल में सैडो आया और कैंडल का साइज भी छोटा हुआ तो यहां पर हम एग्जिट नहीं करेंगे हम ट्वेलिंग एस के साथ बने रहेंगे तीसरा कैंडल फिर से आपका ट्रेन पकड़ लिया फिर से ऊपर गया अब यहां पे लगातार तीन कैंडल का साइज छोटा है और नीचे में आपका शेडो बनना स्टार्ट हो गया यानी फाइनल एग्जिट हमारा यहां पे होगा अगर हम एंट्री यहां पे या यहां पे कहीं पे भी लेते हैं तो देख सकते हैं तो इस तरीके आपको एंट्री और एग्जिट आपको हिकाने से कैंडल्स में डिफाइन करना बाकी इस कैंडल्स के ऊपर हमने मल्टीपल ऑलरेडी वीडियो बना रखा है मल्टीपल चार्ट पैटर्न है मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है तो कौन से कैंडल का कब इस्तेमाल करना उम्मीद करते हैं आपको आइडिया मिल गया होगा बाकी अब हिकाने से कैंडल्स हमें अलग ओपन हाई लो क्लोज क्यों देता है उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि कैंडल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा वो अगर आप नहीं भी जानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए आप उसको भी समझ लीजिए तो यहां पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला कि ओपन कैसे बनता है क्लोज कैसे बनता है हाई कैसे बनता है लो कैसे बनता है ओपन क्लोज का बता देता हूं ओपन कैसे बनता है प्रीवियस कैंडल का ओपनिंग प्राइस प्लस क्लोजिंग प्राइस दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड कर देंगे वो हमारा ओपनिंग पॉइंट बन जाएगा क्लोजिंग जो कैसे बनेगा वो इस कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज को अगर आप फोर से डिवाइड कर देंगे वो आपका क्लोजिंग प्राइस बन जाएगा और हाई लो ऐसे ही आपका फॉर्म होगा जो कि आप यहाँ फॉर्म आप देख सकते हैं इसका ज़्यादा कोई काम नहीं है आप कोई भी चार्ट ओपन कीजिए वहां पर से देखने को मिल जाएगा और वो कैंडल को ऐड कर सकते हैं ये सारा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है तो उम्मीद करते हैं आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया होगा सो so, इस वीडियो में इतना है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव कॉन्टेंट के साथ जय हिंद